हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अगर जो हम काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पे, और एमएस वर्ड में अगर जो हमको पैराग्राफ ग्रुप का यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप में, और जब हम नीचे से बात करते हैं, आप पहले दिया है अलाइनमेंट। क्या दिया है? अलाइनमेंट। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादातर ये पूछा जाता है कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिए, अलाइनमेंट चार होते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार। लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। कितने हो गए? चार। कौन कौन सा? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट पूछा जाए तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट, क्योंकि और जब हम पेज पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। आ रहा समझ में ना? अब चलिए, इसको समझने के लिए पहले हम पैराग्राफ ला लेते हैं। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब ये पैराग्राफ आपको किस साइड दिख रहा होगा? लेफ्ट साइड ही बराबर दिख रहा है ना। अब कंट्रोल ए करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? सर, आप आज ये पैराग्राफ में अलाइनमेंट वाले पर, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है ना, बाय डिफॉल्ट क्या है? हम अब क्लिक करिए सेंटर वाले पर, सारा पैराग्राफ देखिए कहाँ सेंटर कहाँ पे है। नीचे अगर जो आप लिखने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आपको कहां से पैराग्राफ लिख रहा है ये? सेंटर। आ रहा समझ में ना? चलिए फिर सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से इस बार आप कर दीजिए राइट। जो भी सारा पैराग्राफ हो किस साइड में है, और जो लिखने की भी कोशिश करेंगे तो किस साइड से लिखेगा? हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए। अब किस साइड से लिख रहा है? तो ये तीन अलाइनमेंट समझ में आ रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो जस्टिफाई होता है ना, जस्टिफाई दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर करता है। बराबर का मतलब समझिए, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। सारा कंटेंट लेफ्ट में है ना। लेफ्ट में होने के बावजूद देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ये वाला ज्यादा है। ये भी कम है और ये क्या है? ज्यादा। ये ज्यादा और ये क्या है? कम। ये ज्यादा है और ये फिर क्या है? और ये दोनों थोड़ा सा, ये इससे थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं जैसे इस साइड का बराबर है ना, वैसे ही इस साइड का भी बराबर हो जाए। फिर उसके लिए हमको पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या रखना होगा? जस्टिफाई करना होगा। क्या करना होगा? जस्टिफाई। अब देखिए, क्या सारा बराबर हुआ है पैराग्राफ का? ये हुआ है ना। यानी कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को यहाँ से जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, सेंटर करेंगे तो सेंटर, और राइट करेंगे तो राइट। इन सब का शॉर्टकट की आप लोग लिखे होंगे, A to Z आप लोगों को शॉर्टकट के बताए थे ना। उसमें देखिए, सबसे पहले जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो कंट्रोल के साथ R बटन हो, ये राइट के लिए कंट्रोल साथ क्या होगा? R, और लेफ्ट के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ। सेंटर के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ। E, और जस्टिफाई के लिए G, यानी किसके साथ दबाना होगा? कंट्रोल के साथ। याद रहेगा ना कि अगर राइट अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल के साथ, लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो कंट्रोल के साथ, और सेंटर करना है तो, और अगर जो उसी को क्या करना है, जस्टिफाई करना है तो कौन सा? कंट्रोल के साथ हो जाएगा ना। चलिए, और उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला आपको पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दे, अंडरलाइन स्पेसिंग। मतलब समझिएगा, अगर जो आप ये लाइन लिखे हैं ना, इस लाइन के बीच में आपको स्पेस रखना है, ये दो पैराग्राफ लिखे इसके बीच में आपको स्पेस देना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, इस पे लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग का। देखिए, अभी 1.0 कर दे, कुछ कम हुआ पहले से ना, और बढ़ा देते स्पेस को, ज्यादा हो रहा है ना, हो जाएगा ना। हाँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आएंगे ना तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में लिखे आ जाएगा। यहाँ दिया स्पेसिंग आफ्टर और उसके नीचे बिफोर। हाँ, ऊपर आप बिफोर दिया और नीचे क्या दिया है? आफ्टर। बिफोर का मतलब क्या होगा? जब आप पैराग्राफ लिए हैं, इसके पहले कितना स्पेस चाहिए, और आफ्टर यानी कि इसके बाद कितना स्पेस चाहिए। जितना स्पेस चाहिए उतना में आप क्या करेंगे? पॉइंट के रूप में बढ़ाते जाए। यहाँ प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। देखिए, और हम ऊपर वाला बढ़ा रहे हैं, बिफोर वाला ना, बीच में और जगह बनता जा रहा है ना। और जो वही हम आफ्टर वाला बढ़ाए, आफ्टर वाला अभी पता नहीं चला क्योंकि इसके नीचे चला जा रहा है, बढ़ा दिए दोनों को और जस्ट यहाँ से ओके कर दिए। ज्यादा हुआ है, लेकिन किसके बीच में हुआ है?
पैराग्राफ के बीच में, और पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस ही आपको नहीं रखना है। जब यहाँ जाएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव आफ्टर, ये बिफोर पैराग्राफ और इसके नीचे आफ्टर, और जो ऊपर से डिलीट करना चाहते हैं क्या बिफोर और नीचे से डिलीट करना चाहते हैं तो आफ्टर कर दिए, आफ्टर यानी कि बाद में कोई है ही नहीं। हाँ आफ्टर जो इसके नीचे था वो डिलीट हुआ है ना, बिफोर कर दी, क्या कर दिया यहाँ से बी। देखिए सारा पैराग्राफ बिल्कुल एक पास आ चुका है, इन सब के बीच में कहीं स्पेस दिख रहा है, हो जाएगा ना, क्योंकि आफ्टर और बिफोर दोनों स्पेस यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। हाँ बिफोर अगर जो एड करना था बिफोर ले लीजिए, देखिए सब में थोड़ा थोड़ा स्पेस जुड़ गया है ना, और अगर जिसके बाद से करना होता, जब हम इसी को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद वाले में करना है, हम सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे तब एड आफ्टर, यानी कि इसके बाद स्पेस से बड़ा है थोड़ा सा स्पेस उसके नीचे ना, हो जाएगा ना। तो जैसे आपको स्पेस लगाना हो या फिर जैसे आपको स्पेस ऐड करना है, यहाँ से स्पेस कम या ज्यादा कर सकते। अब ध्यान रखिए इसका यूज कब करेंगे, आपको ये कहा गया हो कि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है और एक पेज पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा अगले पेज पे ले रहा है, तो करना ये है कि उस पेज का डेटा यानी जब थोड़ा सा ही है तो अगले पेज पे ना जाए, इसी पेज वो भी एडजस्ट हो जाए, इस पेज को क्या कर देंगे कम, आ रहा समझ में ना। और उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको शेडिंग कलर दिखाई देगा, कौन सा कलर शेडिंग, लेकिन शेडिंग कलर को समझने के लिए पहले आपको इस्तेमाल करना होगा बॉर्डर का, किसका बॉर्डर, देखिए बॉटम दिया है सिर्फ नीचे बॉर्डर रहेगा, टॉप दिया सिर्फ ऊपर बॉर्डर रहेगा, लेफ्ट राइट नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर आउटसाइड इनसाइड सिर्फ अंदर बॉर्डर चाहिए, दिख रहा है ना। सपोज करिए हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर बॉर्डर पर चले, हम कर दें यहाँ से क्या ऑल बॉर्डर, सब में बॉर्डर हो रहा है ना, कर दिए आउटसाइड सिर्फ देखिए बाहर बाहर हो रहा है, इनसाइड कर देंगे सिर्फ अंदर अंदर होगा, दिख रहा है ना, इनसाइड हॉरिजॉन्टल कर देंगे ऐसे होगा, वर्टिकल करेंगे तो बीच में जो खाली स्पेस होता तो बीच में खड़ा एक आ जाता, और नीचे आएंगे तो वही दिया डाउन चाहिए एक नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए एक नहीं चाहिए, लाइन कैसे चाहिए बीच में लाइन चाहिए तो ले सकते हैं, या खुद से जो टेबल ड्रा करना है खुद से ऐसे हम क्या कर सकते हैं टेबल ड्रा कर सकते, हो जाएगा ना। कब के लिए काम करेगा, जब खुद से ड्रा करना हो तब हो जाएगा ना, लेकिन अभी खुद से ड्रा नहीं करना है, हमको इसी ऑप्शन का यूज करना है, या फिर जब इसी में आएंगे अगला आपको ग्रिड लाइन दिखाई देगा कि जो बॉर्डर उसका ग्रिड लाइन दिखाना है कि नहीं दिखाना है, या बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो कहाँ आ जाएंगे हम बॉर्डर एंड शेडिंग। अब देखिए यहाँ पे कलर आपको क्या दिखाई दे रहा है बॉर्डर का, ऑटोमेटिक पे है ना, देखिए पहले बॉक्स कर दिए और ऑटोमेटिक को हटा करके कलर चूज कर लीजिए, क्या चूज कर लिया यहाँ से, और यहाँ से क्या कर लिए क्या आउटसाइड बॉर्डर हुआ है किस कलर का हुआ है, कलर तो हम वही लिए हैं ना। अब चलिए इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, पहले पूरा बॉर्डर लगा है ना, अब देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करके और वो जो हाईलाइट कलर कर रहे हैं यहाँ से कौन सा कलर कर रहे हैं, तो क्या आपको पूरा ये बॉक्स ही कलर हो रहा है, नहीं ना पूरा बॉक्स कलर करना है ना, तब उसके लिए आपको इस कलर को यहाँ से हटा लेना होगा, उसके लिए इस्तेमाल करें कहीं सेलेक्ट नहीं करना है, बस कर्सर रखिए और शेडिंग कलर में आ जाइए। अब देखिए पूरा बॉक्स कलर कर रहा है वो ना, अंदर समझ आ रहा है ना, और दूसरा एक चीज और एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कुछ आपको रिज्यूम बनाना, रिज्यूम का मतलब होता है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देना, कहीं काम करने जाएंगे ना तो सबसे पहले आपसे रिज्यूम मांगते हैं, क्योंकि रिज्यूम में क्या होता है आपका पर्सनल डिटेल होगा, आपका क्वालिफिकेशन होगा एंड आप जितना एक्सपीरियंस लें वो सारा चीज किसमें भरा जाएगा रिज्यूम। अब सपोज कि आप अपना मेन हेडिंग रिज्यूम का दे रहे हैं, किसका मेन हेडिंग दे रहे हैं, रिज्यूम का साइज हम बड़ा कर लिए थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, लेकिन ये सेंटर में रहे तो और बेहतर दिखाई देगा ना, हम सेलेक्ट करके इसको कौन सा अलाइनमेंट दे देंगे सेंटर में आ गया है ना, अब चाहते हैं कि पूरा लाइन ही कलर रहे ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे, आ रहा समझे ना, तो उसके लिए हम रिज्यूम को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हाईलाइट कलर कर रहे, क्या पूरा लाइन हो रहा है, पूरा लाइन हो रहा है सिर्फ कहाँ तक हो रहा है, जहां तक टेक्स्ट लिखा गया बस उतना ही हो रहा है, लेकिन जब पूरा लाइन कलर करना है तो हम शेडिंग कलर का इस्तेमाल,
अब अंतर दिख रहा है ना? अब आपको लग रहा होगा आखिर ये हाथ से यहीं तक और यहीं तक क्यों किया, पूरा क्यों नहीं किया है? पूरा इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहीं तक रूलर काम करने वाला है, इसके बाहर रूलर काम करने वाला करना चाहता है, फिर साइज के बढ़ा लीजिएगा, पहले बढ़ रहा है ना, हो जाएगा, जैसे इधर बढ़ाना वैसे इधर बढ़ा लेंगे, और फिर जैसे इधर बढ़ाना होगा वैसे इधर बढ़ा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो शेडिंग कलर का मतलब क्या समझा रहा है ना? शेडिंग कलर क्या काम करेगा कि अगर जो जहां आप कर्सर रख दिए उसके पूरे लाइन को कलर करने का काम करेगा, बॉर्डर का मतलब तो पता ही होगा। और इधर जब उसके आगे आएंगे ना तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा बुलेट्स का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा? बुलेट्स क्या है, चलाने वाला बाइक या फिर जो गन में होता है वो वाला बुलेट? नंबरिंग देने के, लेकिन ये नंबरिंग देखिए दो होगा, एक ऑर्डर होगा और दूसरा अन ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब नंबर में आ जाएगा 1 2 3, और अन ऑर्डर का मतलब क्या होगा यदि नीचे हम यहाँ आ गए, आ रहे समझ में ना? सपोज करिए सबसे पहले हम लिख रहे यहाँ पे क्या, ऐसे इनपुट डिवाइस प्रोसेस का नाम लिख दे रहे हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे हम लिख दिए HDD, HDD लिख दिए, और HDD के नीचे क्या लिख दिए, LCD, DVD, CD, OMR, क्या लिख दिए, OMR, ऐसे बहुत सारा कंपोनेंट्स आपने लिख दिया हो, लेकिन चाहती है इसके सामने कुछ बुलेट्स लगा दे ताकि पॉइंट के रूप में दिखाई, तो उसके लिए आपको बुलेट्स में आना होगा। देखिए बहुत सारा डिफाइंड बुलेट्स आपको दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना, नॉन है, यहाँ पे इमेज लगा दिए, लेकिन ये इमेज लग रहा है, और इमेज पता करना है ना तो टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, पता चल रहा है कि कहीं इमेज लगा हुआ है, दिख रहा है ना? तो क्या हम इसके जगह पे अपने फोटो, अपना फोटो हम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जब बुलेट्स में आएंगे तो बना बना हुआ है, पहले से लगाया हुआ बुलेट्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ लग जा रहा है ना, लेकिन अब आपको अपने हिसाब से बुलेट्स लगाना है, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट, कि आपको नया बुलेट्स क्रिएट करके बनाना है, तो कहाँ क्लिक कर देंगे हम, डिफाइन न्यू बुलेट्स कहेगा, सिंबल चाहिए कि कोई पिक्चर चाहिए? सिंबल का मतलब क्या होगा, तो जो हम यहाँ पे बुलेट्स ले रहे हैं ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ऐसे कोई सिंबल और जो लेना है तब तो हम कहाँ जाएंगे, सिंबल सिंबल कि बहुत सारा सिंबल दिख रहा है ना, आई वाला सिंबल चाहिए या ट्रॉफिक वाला सिंबल चाहिए, सेलेक्ट करिए, ओके कर, फिर यहाँ से भी क्या कर देंगे, देखिए वही लग क्या गया है ना, तो डिफाइन करना है खुद से, तो जो चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ना, हो जाएगा, देखिए बहुत सारा सिंबल दे रहा हो, इतना सारा दे रहा है ना, इसके सामने बस लगाना, देखो हम लोग बस लगा दे सकते हैं यहाँ से, बस अब इसके आगे कुछ नहीं, बस है ना, लेकिन अब बस नहीं लगाना बल्कि एक इमेज लगाना है, तो उसके लिए जब आप आएंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफाइन न्यू बुलेट्स, और ये दिखाई देगा पिक्चर, ऑनलाइन लेना तो ऑनलाइन ले लीजिए, दिख रहा है ना, और यदि ऑनलाइन नहीं चाहिए तो आप फाइल पे चले जाइए और आप अपने कंप्यूटर जो इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट कर ही लीजिए, कीबोर्ड लगा दें, कीबोर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर लीजिए, इमेज यहाँ पे दिखने लगा ना, जस्ट यहाँ से ओके कर लीजिए, इमेज लग गया है, ध्यान रखिएगा ये कोई पिक्चर यहाँ नहीं लगा है बल्कि ये क्या लगा हुआ है, बुलेट्स लगा हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट साइज बड़ा के तरह से दिख रहा है, नॉर्मल कर देंगे ना तो ऐसे आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे डिफाइन बुलेट्स बुलेट्स क्रिएट करना हो जैसे लगाना वैसे लगा ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? और अगला चीज आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका, जो भी बताएं कि ये तो अन ऑर्डर हो गया ना, अन ऑर्डर का मतलब कोई नंबर ही नहीं बताएगी, एक नंबर दो नंबर, अब ऑर्डर लिस्ट आपको दिया होगा आगे, तो क में चाहिए, दिख रहा है ना, 1 2 3 में चाहिए, नॉर्मल है ऐसे, या ब्रैकेट के साथ चाहिए 1 2 3, दिख रहा है ना, या कैपिटल में रोमन अंक चाहिए, या फिर कैपिटल लेटर में अल्फाबेट चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए ब्रैकेट के साथ, बिना ब्रैकेट के साथ, या फिर किस में चाहिए,
स्मॉल रोमन अंक जैसे चाहिए होगा वैसे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर हो जाएगा ना। हाँ लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आएगा अगला, क्या अगला जब आप जाएंगे ना तो अगला आपको ऐसे दिखाई देगा, करंट लिस्ट लिस्ट लाइब्रेरी दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा होगा लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब क्या समझ लीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले लिख देगा वन पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन दे देगा ए बी सी और डी। हाँ बट ध्यान रखिएगा ये ऐसे सामने नहीं लिख पाएगा, सामने लिखने के लिए कहीं भी आप जाएं तो आपको खुद से टाइप करना होगा ए बी सी डी, आ रहा समझे ना। लेकिन नीचे लेके आना है तो ए बी सी डी आप लिस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते, ऊपर वन दे देगा आगे ए बी सी और नीचे दे देगा फिर टू और टू का आप लिख लीजिए फिर ए बी सी और डी, यानी कि जो भी आपको लिखना हो वो क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते, हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से अब यही हमको क्रिएट करना है, आ रहा समझ में। चलिए पता हम क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल का क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, कुछ क्या कर लेते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन लेके आते हैं ब्राउजर से, उसके लिए कहाँ जाना होगा ब्राउजर, और नहीं तो यहाँ सर्च कर लिए फंडामेंटल फंडामेंटल एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू इन हिंदी में ही ले लेते, कोई यहां से ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चन दिया गया हो। सॉरी इसके बाद में आएगा अभी नहीं जी, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना जो सही उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने से फिर क्या कर लीजिए यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन दे रहा, लास्ट में सबमिट करने का ऑप्शन कहीं देगा। जैसे देखिए दूसरा दे रहा है कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है, क्या है इसमें उसका मस्तिष्क सीपीयू है, ये वाला सही होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, आ रहा समझे ना, या फिर थोड़ा सा बैक आ जाइए दूसरा कोई ले लेते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, हम ये वाला लेना चाहते हैं। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट है ना, इनपुट आउटपुट दोनों ए बी सी, जैसे लिखा हुआ है वन ए बी सी डी और फिर उसके नीचे टू, ऐसे हम लिखना चाहते हैं कुछ, फिर हम इसको क्या करेंगे कॉपी ही कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए यही देना है ना। तो आपको जो भी मेन हेडिंग ऊपर लिखना होगा हेडिंग लिख लीजिएगा कि फंडामेंटल एमसीक्यू, यानी कि फंडामेंटल का क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आ रहा समझ में ना। अब यहीं पर हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट ले लेंगे, पहले आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए हम कंट्रोल वी से वही क्वेश्चन पेस्ट कर, यहाँ आ गया है ना कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, क्वेश्चन आ गया है ना, कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दे रहा है, आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दो आ गया ना, लेकिन दो नहीं चाहिए बल्कि ए चाहिए, पहले क्वेश्चन का क्या चाहिए, तो टैब बटन प्रेस कर दें, कौन सा बटन आ गया ऑप्शन ना। अब हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कि इसका आंसर क्या है, यानी कि ऐसे सारा टाइप कर देंगे, ये है इनपुट, इनपुट टाइप कर लिए इंटर, फिर बी आ गया ना, बी पे टाइप कर लिया अगला वाला क्या है आउटपुट, फिलहाल अभी हम समझने के लिए बस कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, जब आप लोग लिखना चाहें तो टाइप भी कर सकते, सिर्फ क्वेश्चन ही आंसर टाइप कर रहे हैं ना, उसके आगे के सीरियल में टाइप नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर हमारे वर्ड के द्वारा क्या होता जा रहा है बनता जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है, क्या दिया है, हम दोनों यहाँ टाइप कर लिए हो जाएगा ना। फिर अगला हम दे दिए, अगला क्या दिया इनमें से, सिर्फ दिया है कोई नहीं, सिर्फ क्या दिया है कोई नहीं, अगला हम टाइप कर लिए कोई नहीं, इंटर कर दिए। अब ई आ गया है ना, ई आया यहाँ पर ना, लेकिन ई नहीं चाहिए, अब हमको दूसरा क्वेश्चन चाहिए ना, तो एक बार और कीबोर्ड से इंटर बटन दबा, आ गया अब कौन सा बटन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ले लिए प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, टाइप कर लिया दूसरा कौन सा डिवाइस है प्रिंटर, इंटर कर लेना, तीन आ जा रहा है ना, बल्कि तीन नहीं चाहिए, अब फिर से ए चाहिए,
कौन सा बटन दबाएंगे? टैब बटन, ये आ गया। अब ए का जो भी ऑप्शन दिया होगा हमें, अब क्या करेंगे, आउटपुट क्या टाइप करने, यहाँ पे आउटपुट। फिर बी आ गया, बी में क्या दिया है, इनपुट, तो बी हम टाइप कर दिए, क्या होगा, इनपुट। फिर सी क्या दिया है, चलिए दोनों में इस कॉपी कर लेते हैं, क्यों वहां जाने की आवश्यकता है। फिर इसके नीचे वी आ, डी आ गया ना, डी में क्या है, कोई नहीं, तो डी टाइप कर दिया पे, कोई। लेकिन ई आ जा रहा है ना, अब ई नहीं चाहिए, फिर से तीसरा चाहिए, कौन सा बटन, एंटर बटन, तीसरा आ गया। ऐसे तीसरा चौथा पांचवा, आपको जितना चॉइस क्वेश्चन बनाना है बनाते हुए चले, हो जाएगा ना। हाँ, अगर ये चाहते हैं थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इन दोनों के बीच का जो भी स्पेस हुआ सारा रिमूव कर दीजिए, हो गया रिमूव ना, ये सबको सेलेक्ट कर लीजिए, जितना स्पेस है सबको यहाँ से कर दीजिए ऐड एक बार, और एक बार ऐड करके रिमूव, ताकि सबके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, रिमूव बन जाएगा ना। ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे, आप लोग देखे होंगे अधिकांश लोग एग्जाम होता है ना, तो ऐसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, आ रहे समझ में ना, जैसे कुछ नॉर्मल ऐसे कॉलेज में स्कूल में एग्जाम देखा जाए ऐसे ही ज्यादा आता है ना। हाँ, जो सही होगा या तो उसके सामने टिक लगाइए, या अलग आपको एक एमसीयू एमसीक्यू आंसर शीट मिलेगा, उससे आप उसका आंसर लगाते हुए चले। जो भी इसमें आप लोग ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे आपको अलग क्वेश्चन मिल जाता होगा और अलग एक आंसर शीट मिल जाएगा, जो सही उसी का आंसर शीट पे भरी और वो क्या कर दीजिए, जमा कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद जब आगे जाएंगे, इसमें बहुत सारा लिस्ट दिया है, जैसे देखिए हम अल्फाबेट वाला लिए हैं ना, आप वन वन पॉइंट सिर्फ वन वाला दे रहा है, इसका इस्तेमाल जानते हैं कब करेंगे आप लोग, ट्रिपल सी का बुक्स ओपन करिए, ट्रिपल सी का बुक्स सबके पास है ना, जिसके पास है वो लोग ओपन करिए लोग, है उसमें सबसे ऊपर पहले पेज पे देखिएगा, पहले या दूसरे दिया होगा कंटेंट, जो पेज का नंबरिंग दिया होता है ना, कि पहले पेज पे कितने पेज पे ये वाला लेसन है, हाँ यही ट्रिपल सी लिस्ट दिख रहा है सबको, परीक्षा का लिस्ट पाठ्यक्रम दे रहा है ना, वो वाला है ना, हाँ ये वाला ध्यान दीजिए, तो आपको इसमें दिख रहा होगा 1.0 दिया है, 1.1, फिर 1.2, फिर 1.2.1, 1.2.2 ऐसे दे रहा है ना। अब ये अगर जो आपको ऐसे बनाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसमें किसका, लेबल लिस्ट वाला, ये कैसे, देखिए हम यही वाला लिस्ट लेंगे तब उसके लिए, जो ये वाला दे रहा है ना, लेकिन हाँ बस इसमें एक चीज नहीं आएगा, 1.0 नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, बाकी सब आ जाएगा, लेकिन शुरू का कौन नहीं, कौन सा नहीं आएगा, 1.0। सपोज के लिए पहला हमारा कंप्यूटर है, पहला क्या दे दिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर में पूरा हेडिंग हो गया ना ऊपर, कहाँ से, यानी कि पहले सेट किया गया था है ना, हटा दें, पहले हम लिख दिए क्या, कंप्यूटर, इसके सामने हम लगा दिए ही वाला लिस्ट, लग गया है ना, इंटर करंट क्या आ रहा है, टू आ रहा है ना, लेकिन 1.1 चाहिए हमको, कि पहले का पहला चाहिए, तो टैब बटन दबा देंगे, तो 1.1 आ गया ना, इसका जो भी कंटेंट लिखना हो कंटेंट लिख देंगे, इंटर कर दिया, अब क्या आ गया, 1.2, जो भी लिखना 1.2 लिख दिए, इंटर कर लिया, 1.3 आ गया ना, लेकिन अब 3 नहीं चाहिए, बल्कि अब कौन सा चाहिए, 2 चाहिए, एक बार और इंटर बटन दबा दें, देखिए 2 आ गया ना, हो जाएगा, लिखिए इंटर करिए, 1.3 आ गया, सिर्फ 3 आ गया ना, टैब बटन दबा दीजिए, 2.1 आ जाएगा, लिखिए इंटर, 2.2 इंटर, हो जाएगा, या फिर इसी में आपको देना है 1.2.1, एक बार और टैब बटन दबा दीजिए, आ गया 1.2.1, हो जाएगा ना। हाँ बट ध्यान रखिए इसमें किसका ज्यादातर इस्तेमाल है, टैब का और इंटर, कि अगर जो ध्यान रखिए इसके अंदर का आपको चाहिए, जो ये लिखा गया है इसके अंदर का यदि आपको चाहिए तो टैब बटन दबा लीजिए, और बाहर चाहिए तो इंटर दबा दीजिए, तो ये अंदर नहीं करने जा रहा है,
तो अंदर तो लेके जाएगा ही ना, नोट्स में देखो अंदर नहीं लेके गया है। और अगर तुमको नहीं लेके जाना है तो सेलेक्ट करो, देखो रूलर यहाँ पे आ गया है ना, ड्रा करके लेके चले जाओ, आ गया, जहां ले जाना चाहते हो वहां लेके जा सकते हो जाएगा ना। अब सपोज कर हम यही टाइप कर दिए, इंटर कर लिए, ये भी इसके सामने आ रहा है, इंटर कर लिए, ये भी इसके सामने आ रहा है, इंटर कर लो, लेकिन ये सारा कंटेंट हमको इसी के सामने चाहिए, सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रा करके लेके आ जाएंगे इसके सामने, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करिएगा, कम से कम ऐसे 10 या 12 या फिर 15 MCQ क्वेश्चन बना लीजिएगा, बना के ट्राई कर लीजिएगा, और अगली चीज ऐसे जो आप लोग को CCC का बुक्स मिला है ना उसमें से देख के ऐसे आप लोग कंटेंट कुछ तैयार कर लीजिए, हो जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो ये आज आप लोग के लिए टास्क रहेगा, कम से कम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा ना। और क्वेश्चन बनाने के बाद से आप लोग वही लेवल लिस्ट का ट्राई करके ऐसे कंटेंट बना लीजिए, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग, बाकी आपको ये बचा हुआ ऑप्शन और ये स्टाइल ग्रुप अगली क्लास में, हो जाएगा ना।